कांग्रेस के सीनियर लीडर व कारवान हलके के कंटेस्टेंट एमएलए जनाब उस्मान अल हाजरी, जो गुज़िश्ता 20 सालों से आवाम के दरमियान रहते हुए शहर की मुख्तलिफ गैर आबाद मसाजिद को आबाद करवाने में अहम किरदार अदा किए हैं। इसके अलावा उस्मान अल हाजरी शरदराबाद में जहां कहीं भी वक्फ की अराजी पर नाजायज़ कब्ज़ा होता हो उसके खिलाफ आवाज़ उठाते रहते हैं और मुसलसल जदोजहद करते रहते हैं। अवकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ के तहत उस्मान अल हाजरी ने साल 2007 से लैंड ग्रैबर के ख़िलाफ़ अपनी जंग जारी रखे हुए हैं और कई मरतबा अवकाफ की अराजी के नाजायज़ काबिजीन के ख़िलाफ़ अदालतों के चक्कर भी काट चुके हैं और बरसर इख्तदार हुकूमत की आँख में आँख डालकर अवकाफी तहफ्फुज़ पर ज़ोर दिया करते हैं, जिनमें काबिल ज़िक्र कारवान गुड़ी मलकापुर की मस्जिद कुतुब शाही है, जो उस वक्त गैर आबाद थी जिसको उस्मान अल हाजरी ने साल 2007 में अपने साथियों के साथ मिलकर आबाद करवाया और उसे रिनोवेट करवाया। इसके अलावा उन्होंने साल 2012 में अलमास पेट की मस्जिद से मुत्तसिल कब्रिस्तान को मिटाकर उस पर नाजायज़ कब्ज़े की कोशिश को भी नाकाम बना दिया। उस्मान अल हाजरी ने अपने साथियों के साथ उस मस्जिद का दौरा करते हुए जीएमआर के ख़िलाफ़ उस वक्त के वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब खुसरो बियाबानी और पुलिस के अलावा आरएनबी से नुमाइंदगी करते हुए उस कब्रिस्तान की ज़मीन का तहफ्फुज़ करवाया। उनका कहना है कि इस मस्जिद के तहत तकरीबन 422 एकड़ ज़मीन वक्फ की है जिस पर आज भी कब्ज़े हो रहे हैं। इसके अलावा साल 2014 में बेगम मदार में वाक़ मस्जिद मुनवरी को फ़रोख्त करने वालों के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई थी और उस वक्त की हुकूमत टीआरएस को इस मस्जिद के तहफ्फुज़ पर ज़ोर दिया था। इसके अलावा उस्मान अल हाजरी ने साल 2014 में कारवान टोली मस्जिद के वक्फ ज़मीन पर हुए नाजायज़ कब्ज़े और उस पर बनाए गए शादी खाने पर भी आवाज़ उठाई थी। उस मस्जिद की ज़मीन को कब्ज़ा करके शादी खाना बनाया गया है, उसको आज आप और हम महबूब ब्राइड फंक्शन हॉल के नाम से जानते हैं। इसके अलावा उस्मान अल हाजरी ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए ये यकीन दहानी कराई कि गुज़िश्ता तकरीबन 9 साल पहले बाबा शरफुद्दीन की अवकाफी ज़मीन के तहफ्फुज़ का भी उन्होंने दौरा करते हुए कायदे मुकर्रना की उस बात को दोहराया जहां पर अवकाफी ज़मीन पर स्कूल कॉलेज या अस्पताल बनाने का वादा किया गया था। जनाब उस्मान अल हाजी आज भी अवकाफी ज़मीन पर गैर कानूनी कब्ज़े के ख़िलाफ़ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। उस्मान अल हाजरी की अवकाफी जायदादों के तहफ्फुज़ को लेकर फ़िक्रमंदी और जस्तजू से उनके अंदर एक बासलाहियत वक्फ अहदेदार की छवि ज़ाहिर होती है और अवकाफी अराजियात को लेकर उनकी मालूमात और इल्म को देखते हुए मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को उस्मान अल हाजरी को वक्फ जायदादों के तहफ्फुज़ की ज़िम्मेदारी देनी चाहिए। अब देखना ये होगा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत उन्हें वक्फ बोर्ड की कोई ज़िम्मेदारी देती है या नहीं। अब देखिए, दिस लैंड बिलोंग्स टू एपी स्टेट वक्फ बोर्ड ऑर्डर बाय सीओ। तो ये जो जमीन है, ये जमीन है दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के तहत सर्वे नंबर 99/1। ये 2365 एकड़ जमीन का एक हिस्सा है। ये खास बात इसलिए है, अर्ज कर रहा हूं मैं, यहां लाने का मतलब ये है कि आप यहां आ सकते हैं, आके देखिए किस तरह से ये इलाका है। ये वहां दरगाह है, देखिए वो देख सकते हैं दरगाह है वहां, वो दरगाह शरीफ। उसके बाद ये सारी की सारी जमीन ये वक्फ जमीन है, दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की वक्फ जमीन है। यहाँ दरगाह शरीफ तक जाने के लिए रैंप की तामीर की जा रही है और रैंप तो तामीर होने से अभी रहा, रैंप के आसपास 25 से 30 घर बन चुके हैं और कई घरों की तामीर का सिलसिला जारी है। एमएलए साहब रैंप देखने के लिए आ रहे हैं और उसके साथ आजू बाजू जो वक्फ ज़मीनों पे लैंड ग्रैबिंग हो रही है उसको एमएलए साहब आंख मूंझ कर सिर्फ रैंप का दौरा कर रहे हैं। एमएलए साहब की क्या जिम्मेदारी नहीं है कि लैंड ग्रैबर्स पर काबू पाएं? हाँ, क्यों इन पे कब्जा, ये कब्रिस्तान पे कब्जा कर लिए थे। अल्लाह के फजल से मुकामी नौजवानों को लेके हम लोग वक्फ बोर्ड की टीम के साथ वो कब्रिस्तान को जो 17 लाख में बेच दिया गया था, यही कब्रिस्तान, उसको अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हम लोग वापस लिए। लैंड ग्रैबर्स यहाँ से भागने पे मजबूर हो गए, उन्हीं के साथ ही है ये। हम रहमतुल्लाह ये बता, ये गोली मस्जिद का 15,888 गज जमीन का वक्फ ट्रिब्यूनल का आर्डर है, जजमेंट जिसमें डिग्री भी है और जीएचएमसी वालों की तरफ से कमिश्नर जीएचएमसी और इंजीनियर इन चीफ
कोर्ट में अंडरटेकिंग लिख के दिए थे कि वो वहां पे जो जमीन एक्वायर की गई है रोड को वो जब तक काम नहीं करेंगे वहां पर जब तक के वक्फ बोर्ड में कंपनसेशन अदा नहीं करेंगे। 2013 में जब किरण कुमार रेड्डी का दौर था उस वक्त मैंने कोर्ट से रुजू होकर वक्फ ट्रिब्यूनल से ये आर्डर हासिल किया और 2016 में ये जजमेंट हुआ, इसमें डिग्री हो गई। उसके बाद कभी भी वक्फ बोर्ड की जानिब से जीएचएमसी को यह नहीं लिखा गया कि हमको इस जमीन का कंपनसेशन चाहिए। 2018 में दोबारा ये लोग काम किए, कोर्ट के आर्डर्स का वायलेशन करे, उसके खिलाफ फिर मैं हाईकोर्ट से रुजू होना पड़ा। इस दौरान में वक्फ बोर्ड वाले कोई भी काम नहीं करे। मैं किसी की बड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, अल्लाह माफ फरमाए, रियाकारी की बात नहीं, लेकिन जिम्मेदारी है ना वक्फ बोर्ड की। वक्फ बोर्ड इस सिलसिले में खामोश बैठा हुआ है। फिर दो दिन पहले काम करने के बाद हम दोबारा रुजू हुए जीएचएमसी के अहदेदारों से और ये अल्लाह के फजल से हम आर्डर्स हवाले करें, फिर कंटेम्प्ट भी उनके खिलाफ फाइल कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी है कि इस जमीन का कंपनसेशन हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।